इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 का मैच नंबर 22 में आमने सामने होने वाला है कप्तान विराट कोहली का टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कप्तान ऋषभ पंत का टीम दिल्ली कैपिटल्स। एक तरफ विराट कोहली का टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सन 2021 में इतिहास रच के अपना नाम इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में शरणाक्षर से लिखाया। हाँ भैया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सन 2021 आईपीएल में अपना पहला चार मैच में से 4 कंसेक्यूटिव जीत हासिल किया। लेकिन सवाल की बात, परेशानी की बात, हैरानी की बात यह है, जहाँ पे चर्चा करने की बात है वो ये है कि पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल नहीं कर पाए। क्या ऐसा खास रीजंस था, क्या वीकनेस था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम में, जिस वीकनेस की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और हार का सामना करना पड़ा? और आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने के लिए क्या क्या प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। और क्या आप अगर बात किया जाए दिल्ली कैपिटल्स का, तो वहां पर दिल्ली कैपिटल्स का लीड करते हुए आज भी नजर आएंगे द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2021 द ताबड़तोड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने एज ए बैट्समैन हम सबको किया था इंप्रेस, जिन्होंने एज ए विकेट कीपर हम सबको किया था एंटरटेन। अब वही कप्तान ऋषभ पंत एज ए कैप्टन हम सबको गर्व महसूस करवाने में कामयाब हो रहे हैं। ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल्स और टीम, जिस टीम ने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुपर ओवर में जीत हासिल करके आ रहे हैं। ओके भैया, आप बात करते हैं इतिहास की। हाँ, इतिहास मतलब हेड टू हेड आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का बीच टोटल 26 मैच खेला गया, जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15 टाइम्स जीत हासिल किया। वहां पे दिल्ली कैपिटल्स या फिर आप दिल्ली डेयरडेविल्स भी कह सकते हो, पहले दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था, तो वो टीम ने टोटल 10 टाइम्स जीत हासिल किया। तो इतिहास गवाह है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत बार पड़े है दिल्ली डेयरडेविल्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स का ऊपर बारे। लेकिन भाई, वो पहले की बात नहीं रहा है, अब है ये नई दिल्ली। नई दिल्ली ये कहता है कि वो चैंपियन बनने का भी दावा कर सकते हैं और रनर्स अप थे सन 2020 में, और इस साल भी टॉप फोर में बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, टॉप फोर से नीचे नामने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हैं। भैया, सन 2021 इस टीम को लीड कर रहे हैं कप्तान ऋषभ पंत, ये यंग स्टार का टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे आईपीएल। हर एक फैंस को, चाहे आप चेन्नई का फैन हो, चाहे आप बेंगलुरु का फैन हो, चाहे आप मुंबई का फैन हो, जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करता है, जब श्रेयस अय्यर परफॉर्म करता है, जब आवेश खान विकेट चटकाता है, हर एक ऑडियंस ताली बजाता है बहुत जोर से भैया, क्योंकि इंडियन यंग स्टार परफॉर्म करते हुए हम सबको लगता है बहुत अच्छा। ओके भैया, आप बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट्स, वहाँ पर कौन से टीम को मदद ज़्यादा मिलने वाला है, कौन से प्लेयर्स को ज़्यादा मदद मिलने वाला है, तो कुछ गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। सबसे पहला बात यह है कि आज का मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद का ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, हम सबको पता है, आपने बहुत बार सुन लिया, आप शायद बोर हो चुके हो। बात ये नहीं बोर की नहीं, बात ये कि आज वहाँ पर क्या अक्षर पटेल को ज़्यादा मदद मिलेगा, क्या अमित मिश्रा को ज़्यादा मदद मिलने वाला है, या फिर इजी चाल, या फिर वाशिंगटन सुंदर, मदद किसको ज़्यादा मिलने वाला है? क्या आवेश खान विकेट चटका पाएंगे, क्या मोहम्मद सिराज परफॉर्म कर पाएंगे, क्या विराट कोहली रन बना पाएंगे, क्या शिखर धवन जबरदस्त गजब के पारी खेल सकेंगे? तो ये है सवाल, सबका सवाल जवाब मैं दूंगा, आपका भाई मोहम्मद अनवर सानी। यह पढ़ाई करते करते पढ़ाई, हाँ मैंने पढ़ाई किया, रिपोर्ट पढ़ाई अहमदाबाद स्टेडियम का, रिपोर्ट पढ़ाई करते करते मैंने आखिर यह समझने में कामयाब हुआ कि भैया ये कहना बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां पर ज्यादा मैच अभी तक खेला नहीं गया, तो ये आप 100% होके नहीं कह सकते हो कि वहां पर बल्लेबाज बहुत ज्यादा रन बनाएंगे। जैसे आप कह लेते हो कि मुंबई के स्टेडियम वानखेड़े में बल्लेबाज का दबदबा रहेगा, एम एच चिदम्बरम चेन्नई में स्पिनर्स का दबदबा रहेगा, अभी तक आप ऐसे नहीं कह सकते हो कि अहमदाबाद में बल्लेबाज का रहेगा, स्पिनर्स का रहेगा, या फिर फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहेगा, क्योंकि कल का मैच में हमने देखा मोहम्मद शमी को अच्छा परफॉर्म करते हुए, हमने देखा अर्शदीप सिंह को अच्छा परफॉर्म करते हुए, हमने देखा रवि बिश्नोई को गेंद टर्न करवाते हुए, हमने देखा वहां पर दीपक हुड्डा को भी अच्छा गेंदबाजी करते हुए, हमने देखा योन मॉर्गन को जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, हमने देखा राहुल त्रिपाठी को भी अच्छा बल्लेबाजी करते हुए। तो भैया कहना बहुत बड़ा मुश्किल है वहां पर कि किसी एक डिपार्टमेंट का पक्ष में है ये पिच। मुझे लगता है ऐसा कि वहां पर फास्ट बॉलर्स भी अच्छा कर सकते हो, वहां पर स्पिनर्स भी अच्छा कर सकते हैं, और आप अच्छा खासा रन भी बना सकते हो, ये पिच कहता है। वहां पर पिच में जितने सारे पहले मैच हुआ था, पिछले मैच हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का साथ जो मैचेस हुआ, वहां पर 160 का एवरेज है, 160 से ज्यादा बैटिंग एवरेज है फास्ट बैटिंग में, तो वहां पर आप रन बना सकते हो अगर आप अच्छा बल्लेबाजी करो तो वहां पर। लेकिन समस्या की बात, लेकिन सवाल की बात, परेशानी की बात यह है, आप टॉस जीतोगे या नहीं, क्योंकि टॉस में क्या होता है, अगर आप टॉस जीत लिया तो आप चुनोगे पहले बल्लेबाजी नहीं, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, क्योंकि दूसरा मैच में सेकंड इनिंग्स में होता क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा ड्यू आ जाता है, और आपका गेंद आप यॉर्कर डालने जाओगे तो आपका गेंद फुल टॉस गिरेगा, आप फ्लाइट करवाने जाओगे तो आपका गेंद फुल टॉस गिरेगा, आप अगर ऑफ स्पिनर हो तो आपका गेंद इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, और आप अगर एक फास्ट बॉलर हो और खास करके आप डेथ मैच बॉलिंग कर रहे हो और ज्यादा अगर ड्यू आ गया मैदान में, तो भाई आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो टॉस एक मेन फैक्टर रहेगा वहां पर, कौन टॉस जीतेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये सब होता रहता है, कुछ दिन ड्यू हो सकता है, कुछ दिन ड्यू नहीं आ सकता है, कुछ दिन ड्यू फैक्टर हो सकता है, कुछ दिन ड्यू नहीं फैक्टर हो सकता है, वो डिसाइड करेगा दिन का ऊपर, डिसाइड करेगा टाइम का ऊपर। तो भैया मेरे हिसाब से सिंपल सी बात यह है कि आप अगर अच्छा खेलने का इंटेंट लेके मैदान में उतरोगे ना, तो आप अच्छा खेल सकते हो।
ओके भैया, तो ये ड्यू का फैक्टर सिर्फ अहमदाबाद स्टेडियम में नहीं, बहुत सारे स्टेडियम ऐसे हैं जहाँ पे ड्यू का फैक्टर रहता है और ड्यू एक बहुत बड़ा समस्या बन जाता है टीम के लिए। लेकिन बात यह है भैया, ये T20 गेम है, वहाँ पर आप टॉस हार के भी जीत सकते हो, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड जितना बनता है उतना रिकॉर्ड बल्लेबाज और गेंदबाज और टीम द्वारा टूटा भी जाता है। ओके, आप बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की और मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट बैलेंस्ड प्लेइंग 11। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्लेइंग 11 बहुत अच्छा था, लेकिन उससे अच्छा बनाया जा सकता है, क्योंकि पिछले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सिर्फ प्रॉपर 4 बल्लेबाज लेके उतरे थे मैदान में, और हारने का अगर रीजन बताया जाए तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा रीजन वही था। हमने देवदूत पाटिल को, हमने विराट कोहली को, हमने एबी डिविलियर्स को, हमने ग्लेन मैक्सवेल का अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का लोअर मिडिल ऑर्डर का प्रदर्शन हमने नहीं देखा, क्योंकि वहां पर कोई अच्छा बल्लेबाज थे ही नहीं। वहां पर जो लोग थे वो लोग बॉलिंग ऑलराउंडर है भैया, तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सोचना पड़ेगा और आज अपना प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आज का प्रोबेबल प्लेइंग 11 होने वाला है सलामी बल्लेबाज की तरफ देवदूत पाटिल और विराट कोहली उतरेंगे। नंबर 3 में मेरे हिसाब से आज मोहम्मद अजहरुद्दीन को खिलाना चाहिए। मैंने बेंगलुरु का एक प्लेइंग 11 बनाया था पिछले वीडियो में, वहां पर भी मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग एक अच्छा एक प्रॉपर बल्लेबाज को आप नंबर 3 में खिला लीजिए। वाशिंगटन सुंदर को भी कहा, आपने मौका दिया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आपका जरूरत है एक अच्छा प्रॉपर बल्लेबाज को खिलाना, तो आप मोहम्मद अजहरुद्दीन की तरफ जाइए। नंबर 4 में ग्लेन मैक्सवेल को खिलाइए। नंबर 5 में अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, जो अमेजिंग ब्रिलियंट डिविलियर्स है, उनको खिलाइए। नंबर 6 में हाँ, मैं देखना चाहूंगा आपका काइल जेमिसन हो या फिर डेनियल सैम, मैं चाहूंगा डेनियल सैम को नंबर 6 पे खिलाइए। नंबर 7 पे वाशिंगटन सुंदर, नंबर 8 पे काइल जेमिसन, नंबर 9 पे हर्षल पटेल, नंबर 10 पे मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पे युजवेंद्र चहल। तो मेरे हिसाब से ये रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक अच्छा बैलेंस प्लेइंग 11, जो दिल्ली कैपिटल्स का खिलाफ जीतने का दावा कर सकती है, जो दिल्ली कैपिटल्स का खिलाफ अगर अच्छा खेले तो जीत भी सकती है। अहमदाबाद का पिच में अगर स्पिनर चाहिए तो वहां पर वाशिंगटन सुंदर है, वहां पर युजी चहल है, बड़ा मैदान है, ग्लेन मैक्सवेल से भी गेंदबाजी करवा सकते हो भैया। तो अगर फास्ट बॉलर की बात किया जाए तो वहां पर सुना है मैंने जिनके पास पेस रहेगा वो सक्सेसफुल हो सकते हैं रिपोर्ट के मुताबिक, तो वहां पर आप डेनियल सैम को खिलाओ, उनका पास बाउंस भी है, गति भी है, तो आप काइल जेमिसन तो है ही आपके पास, आपके पास मोहम्मद सिराज है, आपका पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट टीम है, तो वह टीम लेके आप उतरे मैदान में आज खेलने के लिए और आप जीत सकते हो। मैं दवा किसी का साथ कह सकता हूँ, इस टीम के अच्छे इंटेंट के साथ अगर आप खेलोगे, जीत या हार तो वो डिसाइड करेगा दूसरी ऑपोजिशन टीम कैसे खेलती है, लेकिन अच्छा खासा स्कोर आप खड़ा कर सकते हो और ये बॉलिंग यूनिट लेके आप कम रन भी डिफेंड कर सकते हो अगर आपका बॉलर अच्छा करे तो। भैया अगर आप दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की बात किया जाए तो वहां पर इतना बदलाव की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सवाल यह कि क्या रविचंद्रन अश्विन के जाने पे दिल्ली कैपिटल्स मुसीबत में आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा मुसीबत में नहीं आएगा, क्योंकि आपने पिछले मैच में देखा अक्षर पटेल को बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हुए, जो एक ऑफ स्पिनर है, और उनके साथ साथ एक लेग स्पिनर भी है अमित मिश्रा, जो सेकंड मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर है इंडियन प्रीमियर लीग हिस्ट्री में, और जो पिछले मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छे ले में नजर आ रहे हैं, और इस बीच में कल रवि बिश्नोई को एज लेग स्पिनर टर्न करवाते हुए देखा, तो मुझे लगता है आज अक्षर पटेल और अमित मिश्रा के दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए, अक्षर पटेल से ज्यादा विकेट मुझे लगता है अमित मिश्रा चटकाएंगे, लेकिन यह सवाल ये वक्त ही बताएगा यह सवाल का जवाब। ओके, आप बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स की, तो सलामी बल्लेबाज की तरफ पर जाहिर सी बातें नजर आएंगे पृथ्वी शो, उनके साथ होंगे शिखर धवन। नंबर 3 पे हम देखेंगे कप्तान ऋषभ पंत को, नंबर 4 में स्टीव डिपेंडेबल स्मिथ को अभी भी खिलाना चाहिए, उन्होंने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और खास करके अहमदाबाद स्टेडियम में स्टीव स्मिथ अच्छा साबित हो सकते हैं। ओके भैया, नंबर 6 में मैं थोड़ा बदलाव करना चाहूंगा। नंबर 6 में वैसे टीम का हिसाब से तो होना चाहिए मार्कस स्टोनिस, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर 6 में आप मार्कस स्टोनिस का जगह पर क्रिस वॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, फायदा होगा, क्योंकि पिच ये कहता है कि जिस खिलाड़ी के पास ज्यादा गति है वह खिलाड़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मार्कस स्टोनिस के जगह पर आप क्रिस वॉक्स की तरफ जाओ, वो एक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं बहुत अच्छा। तो नंबर 6 अगर क्रिस वॉक्स आपने ले लिया तो क्रिस वॉक्स जो खिलाड़ी वो आबेश खान का भी साथ दे सकते हो, वो डेथ ओवर में प्रकाशेश्वर रबादा का भी साथ दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्रिस वॉक्स को आप खिलाओ नंबर 6 पे। ओके, आप अगर नंबर 7 की बात किया जाए तो वहां पर सिचुएशन के मुताबिक आप भेजेंगे अक्षर पटेल या फिर ललित यादव, मेरे हिसाब से ललित यादव। नंबर 8 पे अक्षर पटेल, नंबर 9 पे अमित मिश्रा, नंबर 10 में आबेश खान, नंबर 11 पे प्रकाशेश्वर रबादा। दैट्स माय प्लेइंग 11 और मुझे लगता है ये प्लेइंग 11 द मोस्ट बैलेंस्ड प्लेइंग 11 इन द आईपीएल 2021 सो फार। ओके, आप दोनों टीम का अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात किया जाए तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्ट्रेंथ जो है बहुत सारा स्ट्रेंथ है, अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स अपने आप में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, वहां पर ग्लेन मैक्सवेल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अच्छी गेंदबाजी भी कर सकते हैं अगर आपका जरूरत पड़े तो, और अच्छा फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वहां पर देवदूत पाटिल बहुत अच्छा कर रहे हैं, विराट कोहली बहुत अच्छा में नजर आ रहे हैं, मोहम्मद सिराज अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, हर्षल पटेल अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं। भैया एक ओवर का बात छोड़ दो, ये होता है किसी के साथ भी हो सकता है, एक दिन किसी का बुरा जा सकता है, एक ओवर छोड़ के हर्षल पटेल बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं, हम सबको इंप्रेस किया अपना गेंदबाजी से, वहां पर बहुत सारा स्ट्रेंथ है। लेकिन वीकनेस की बात किया जाए तो वही है भैया, नंबर 3 में कौन खेलेंगे और कैसे प्रदर्शन करेंगे और लोअर मिडिल ऑर्डर कैसे प्रदर्शन करेंगे, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सा समझने की बात है, और वो वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने की बात है, और मेरा दिल कहता है वो लोग बदल देंगे, क्योंकि इस साल ऐसा लग रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बहुत कुछ सपना साज करने वाले हैं।
दूसरी तरफ अगर दिल्ली कैपिटल्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से भैया वहां पर सब कुछ स्ट्रेंथ है, मुझे तो ऐसा कुछ वीकनेस भी नहीं नजर आ रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि वहां पर अश्विन चले गए फिर भी वहां पर अक्षर है, वहां पर अमित मिश्रा है, वहां पर ललित यादव है, तो इतना ज्यादा, और जहां पर श्रेयस अय्यर नहीं थे तो आप स्टीव स्मिथ वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वहां पर इतना ज्यादा कुछ बदलाव का जरूरत भी नहीं है और मेरे हिसाब से वहां पर इतना बड़ा कोई वीकनेस नहीं है जो मैं आपके साथ चर्चा करूं।